राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग के मध्य औद्योगिक क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास सवारियों से भरी राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस असंतुलित होकर नाले में पलट गई, जिसमें करीब 30 सवारियां घायल हो गई। बस पलटते ही मौके पर मौजूद लोगों ने बस के आगे और पीछे के शीशे तोड़कर सवारियों को निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। परिचालक की हालत गंभीर होने पर उसे राजगढ़ से जयपुर रेफर कर दिया गया। चालक सांवल राम सैनी ने बताया कि करीब 7:30 बजे रैणी से जयपुर के लिए वो बस लेकर रवाना हुआ था। रास्ते में राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र का रेलवे फाटक बंद मिला। इस पर फाटक के पास ढलान होने पर बस को बंद कर गियर लगाकर गाड़ी खड़ी कर दी गई। अचानक बस का गियर निकल जाने से प्रेशर डाउन होकर बस पीछे की तरफ खिसकने लगी। यह देखकर उसने बस के पीछे लगी वाहनों की कतार व उसमें बैठे लोगों को बचाने के लिए बस को साइड में लगाना चाहा। बस असंतुलित होकर नाले में पलट गई। बस के पलटते ही बस में सवार लोगों की चीखने और पुकारने की आवाज़ आने लगी। इस पर मौके पर मौजूद लोगों ने बस के आगे और पीछे के शीशों को तोड़कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस 108 और निजी वाहनों की सहायता से घायलों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बस पलटने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल लोगों से परिजनों के बारे में जानकारी लेकर परिजनों को सूचना दी गई। परिचालक जब्बूराम शर्मा के गंभीर घायल होने पर चिकित्सकों ने राजगढ़ से जयपुर रेफर कर दिया। ये रेणी से जयपुर जा रही थी और सुरेल का जो फाटक था वो बंद था, तो फाटक बंद था तो ड्राइवर ने उस गाड़ी को खड़ी कर दी और गाड़ी पीछे चलने लगी तो ड्राइवर ने और पीछे करके जो काटना जा रहा था, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगने, गाड़ी पीछे खड्डा था उसमें गिरने से गाड़ी फटा था। इससे कई यात्रियों को चोटें लगे जिनको इलाज करवाया। लगभग गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार? गाड़ी में करीब 50-60 आदमी थे। करीब बाकी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी जा रही है। गाड़ी फटक के बिल्कुल पास में खड़ी हुई जी। गाड़ी का अचानक गियर निकल गया जी। मैंने पीछे को देखा तो गाड़ी को लंबी लाइन लगी हुई थी फटक की वजह से। मैंने उनको बताने की कोशिश की गाड़ी बगल बगल में निकल जाए, कुछ नहीं याद था। गाड़ी संतुलन बिगड़ने का। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? कितनी सवारियाँ थी इसमें? गाड़ी में 50-60 सवार। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी? जयपुर रैणी। अच्छा, जयपुर। किसी के ज़्यादा तो नहीं लगे? नहीं, ज़्यादा तो नहीं। कंडक्टर के ज़्यादा लगे? कंडक्टर थोड़ी स्क्वायर मिला इसमें डाल के।